का पार्ट बनी है, आप थोड़ा सा उस बारे में बताइए। मैं यही कहूँगी कि कोई भी अवार्ड शो जब भी होता है तो आर्टिस्ट को एक एक्साइटमेंट रहती है कि जो भी काम किया है उसको नवाजा जाएगा तो कैसे जाएगा। आर्टिस्ट के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि ऑडियंस उसको प्यार करे, और अल्टीमेटली वो प्यार दुगना हो जाता है जब उस काम की सराहना भी होती है। सो मुझे लगता है ड्रीम अचीवर्स अवार्ड नाम ही बताता है कि हर आर्टिस्ट का ड्रीम होता है कि उसको लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ अवार्ड ज़रूर मिले उसके काम के लिए, और जिसकी वजह से मतलब वो काम में एक्टिव रहा है उससे पहचान उसकी बने। सो नो डाउट ड्रीम अचीवर्स अवार्ड 2020 आई हैव बीन इनवाइटेड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर एंड आई फील वेरी ऑनर्ड बीइंग हियर। आपके अवार्ड की कोई ऐसी कोई मेमोरी है जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहे, जो फर्स्ट अवार्ड काफ़ी स्पेशल होगा आई एम श्योर आपके लिए, तो अगर ऐसा कोई मेमोरी अगर आप मेरी, मेरी सबसे पहली फिल्म रही है बैरी पिया, कहीं ना कहीं एक सरस्वती चंद्र मूवी जो आई थी बच्चे की उसी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड रही है, और बहुत खुशी हुई कि उस फिल्म को लाइक किया गया था। मैं फर्स्ट अवार्ड और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे उसको अवार्ड दिया गया। उसके अलावा भी उसके बाद में जो अवार्ड का सिलसिला शुरू हुआ मेरी लाइफ में, मेरे लिए वो ऑलवेज प्रोत्साहन देने गया। तो कई सारी मूवीज है जैसे जैसा है पंजाबी मूवी जिसमें मुझे पीटीसी अवार्ड में the bell icon on the YouTube app and never miss another update.